वयस्क लोग कब समझेंगे। इन्हें मारते मारते तो मुझे बहुत भूख लगी है। हमें भी जोर से भूख लगी है। तो चलो माँ के हाथ के बनाए हुए मोदक खाते हैं। बाल गणेश, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब जल्दी जाओ और ये खीर मेरी प्यारी सखी लक्ष्मी जी को दे आओ। पर माँ, हमें भी बहुत भूख लगी है। वो सब बाद में, पहले इसे दे आओ। ठीक है माँ, मैं बस यूं गया और यूं आया। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाने की व्यवस्था कीजिए। जी स्वामी। रुक जाइए माते। अरे बाल गणेश, क्या हुआ? तुम इतने दौड़े दौड़े क्यों आ रहे हो? सब ठीक तो है ना? जी माते, सब ठीक है। वो माँ ने आपके लिए खीर भेजी है, इसलिए मैं दौड़ा चला आया। ये लीजिए। अब आज्ञा दे माता, मुझे जाना होगा। आयुष्मान, मेरी सखी पार्वती को हमारा आभार कहना। आप तो बड़े भाग्यवान हैं स्वामी, आपको भूख लगते ही खीर स्वयं चलकर आपके पास आ गई। आती कैसे नहीं लक्ष्मी, जिसके पास लक्ष्मी सौभाग्य है उसका। बात तो आपकी सही है। क्या हुआ लक्ष्मी, आज आप बहुत खुश दिख रही हैं। खुश होने की तो बात है स्वामी, धरती पर मेरा यश निरंतर बढ़ता जो जा रहा है। आजकल मानव सुख शांति की जगह मुझे मांग रहे हैं। वैसे अच्छा ही है, मेरा आशीर्वाद जिसके साथ हो वो ब्रह्मांड के सारे सुख पल भर में पा लेता है। लक्ष्मी की बातों में तो घमंड दिखाई दे रहा है। वैसे लक्ष्मी, यदि आपका दिया हुआ धन किसी को भी मनचाहा सुख देने के योग्य है, तो आप तो स्वयं धन की देवी हैं, फिर अब तक आप मातृत्व के सुख से वंचित क्यों हैं? वैसे खीर सच में बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाइए, आइए ना। हमें क्षमा करना लक्ष्मी, किंतु आपके इस घमंड के वृक्ष को अभी काटना जरूरी था। माते, बिना किसी विलंब के मातृत्व का सुख भोगने का एक उपाय है मेरे पास। आप किसी बालक को गोद ले लीजिए। बालक को गोद ले? ये तुम क्या कह रहे हो शेषनाग? नहीं नहीं माते, वो मैं क्षमा माते, भूल हो गई मुझसे। नहीं नहीं शेषनाग, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, बल्कि तुमने तो बहुत उत्तम विचार दिया है। बालक गोद लेना ही सही रहेगा। जाके माँ के हाथ के मोदक खाने हैं। प्रभु बस हो ही गया, थोड़े जिद्दी हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। चलो चलो जल्दी, माँ ने मोदक बना के रखे होंगे। लक्ष्मी,
हमें देखना होगा कि ऐसी कौन सी माता है जो अपनी संतान बिना किसी परेशानी के तुम्हें दे दे। मैं अभी इस कार्य का भार कार्तिकेय और बाल गणेश को सौंप देती हूँ। जैसा तुम्हें सही लगे। कार्तिकेय और बाल गणेश, सखी पार्वती, तुम्हारे दो पुत्र हैं। क्या तुम मुझे कार्तिकेय या गणेश में से किसी एक को नहीं दे सकती? ये तुम सखी, मेरी इस विनती को स्वीकार कर मुझे मातृत्वता का सुख दे दो। सखी लक्ष्मी, तुम जितना आसान समझ रही हो ये सब उतना आसान नहीं है। कार्तिकेय का असल रूप 6 मुख वाला है और वो हर मुख से भोजन करता है। उसका भोजन बनाते बनाते तुम थक कर हार जाओगी। तो फिर तुम मुझे बाल गणेश दे दो। बाल गणेश को रखना भी आसान नहीं है लक्ष्मी, वो बहुत बड़ा शैतान है। तुम्हें सारा दिन अपनी उंगली पर नचाता रहेगा। उससे संभालना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है लक्ष्मी। पार्वती, यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बाल गणेश की हर शैतानी को सहन कर लूंगी तो कहो सखी, तो क्या तुम मुझे बाल गणेश दे दोगी? प्रणाम लक्ष्मी माता। आयुष्मान भव बाल गणेश। आप मुझे अपना पुत्र कहकर संबोधित कर सकती है माते। अर्थात? मैंने और मेरे मित्रों ने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। तुम कहना क्या चाहते हो बाल गणेश? माँ, लक्ष्मी माँ मुझे अपना दत्तक पुत्र बनाकर मातृत्व का सुख पाना चाहती हैं। ये तो आपके पुत्र का सौभाग्य है माँ। इस प्रकार मुझे एक नहीं दो तेजस्वी माताओं की ममता का सुख भोगने का अवसर मिलेगा। बगम। प्रभु ये कह रहा है कि अगर आप बैकुंठ चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने मित्रों को छोड़कर नहीं जा सकते। हमसे आपका जाना सहन नहीं होगा। आपको ऐसा निर्णय लेने से पहले एक बार तो हमारे बारे में सोचना चाहिए था। बस 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 बगम बस। क्या ये सब अगम ने कहा? क्षमा प्रभु, उसने तो केवल पहला वाक्य बोला था, बाकी तो मैंने अपने मन की बात कही है। हाँ प्रभु, बगम ने सही कहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मित्रों, मेरे लिए क्या बैकुंठ और क्या कैलाश? मैं तो वहाँ रहकर भी सबके साथ ही रहूँगा और ये पक्की वाली बात है। पर लगता है तुम सब लोग तो मुझे भूलने की तैयारी में लगे हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु? हम तो आपके शरीर का अंग हैं। हम कैसे अब... हाँ प्रभु, आपके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। रहने की सोचोगे तो भी मैं रहने नहीं दूंगा। तो माँ, क्या निर्णय है आपका? लक्ष्मी, एक माँ की जान उसके बच्चों में बसती है। अपने अलावा किसी और को बाल गणेश की माँ कहलाने का अधिकार देना मेरी कल्पना से बाहर है। किंतु फिर भी मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है पार्वती? जिस प्रकार मुझे दो दो पुत्रों की माँ होने का सुख मिला है, वैसा ही सुख मेरी सखी को भी मिलना चाहिए। क्या सच पार्वती? हाँ सखी, मैं अपने बाल गणेश को आज से तुम्हारा दत्तक पुत्र घोषित करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत आभार सखी। तुम जैसी सखी और बाल गणेश जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें मेरी सभी व्यवस्थाएं और समृद्धि मिले। दीपावली के दिन या कोई भी पूजा, मुझे पूजने वाले को तुम्हें अवश्य पूजना होगा। तीनों लोकों में जो भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा मैं उससे कोसों दूर रहूंगी। सखी, निसंदेह तुमने बाल गणेश को मेरा पुत्र घोषित कर दिया है, किंतु इस संसार में तुम ही बाल गणेश की माँ कहलाओगी। माँ लक्ष्मी पार्वती की जय। बाल गणेश की जय। रुक जाओ मित्रों, तुम सब भूल गए क्या?
लगी थी, इसलिए हम यहाँ दौड़ कर आए थे। अब जबकि लक्ष्मी जी भी मेरी माँ बन चुकी है, तो आज का भोजन इन्हें ही बनाना होगा। चलिए माते, जल्दी से मुझे 100 और इन सब के लिए भी 100-100 मोदक बना दीजिए। 100-100 मोदक सबके लिए?